हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। कॉस्मिक मेडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वजन बढ़ाने के लिए। जी हां, कई बार हमने देखा है, कई वीडियोस आपने देखे होंगे कि वजन घटाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके तो बहुत सारी टिप्स होती है। लेकिन कई लोग ये होते हैं कि जो दुबले पतले होते हैं और उनको वजन बढ़ाना होता है, तो उनके बारे में कोई खास चर्चा नहीं होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे, अगर आप दुबले पतले हैं और आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपने थोड़े अच्छे दिखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा करें, क्या ऐसा डाइट में यूज करें, क्या ऐसा खाएं जिससे आपका वजन अच्छी तरीके से बढ़ सके और आप अच्छे और अच्छे दिख सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आप दुबले पतले हैं, आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप दुबले पतले हैं लेकिन आप में ताकत है, आप में स्टेमिना है, आप स्फूर्तिला फील कर रहे हैं, तो जनरली ऐसा आपको वेट गेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वेट कम होने के कारण कुछ दिखने में लुक्स थोड़ा कम अच्छा दिखता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपका वेट थोड़ा गेन होता है तो आप अच्छे दिखेंगे, इसके लिए आपको ये दो तीन चीज आपको करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला कारण क्या होता है कि आपका वेट गेन क्यों नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है और इसी के कारण आपका खाना जो है प्रॉपर तरीके से पचता नहीं है। आपको बॉडी को जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए वो खाने में से वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है और जिसके कारण आपको कमजोरी, थकान या फिर आपका चेहरा पिचक जाना और आप दुबले पतले ही रहते हैं। चाहे आप कितना भी अगर खाएंगे फिर भी आपका जो शरीर है वो ग्रो नहीं होता है, आपका वेट है वो गेन नहीं होता है। तो इसके लिए आपको आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहला है आपको जीरा। जी, आपको जीरा लेना है। जीरा ये आपका डाइजेशन सिस्टम और पाचन तंत्र को अच्छा बनाने में बहुत हेल्पफुल करता है। खाना पचाने में जीरा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, आपको एक टीस्पून जीरा लेना है, इसे एक आधे ग्लास पानी में उसे मिला देना है और फिर उस पानी को गर्म कर देना है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पानी को छान लेना है और फिर खाना खाने से थोड़े टाइम पहले वो पानी आपको पी जाना है और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपको खाना खाना है। जिससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा वर्क रहेगा, अच्छा वर्क करेगा और आपका खाना अच्छे तरीके से पच जाए और आपको जो खाने में से जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर तरीके से मिलेंगे और आपका वेट भी अच्छी तरीके से गेन होगा, चेहरे पे ग्लो भी आएगी। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको त्रिफला लेना है। जी हाँ, त्रिफला आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप जो त्रिफला है वो आपके डाइजेशन सिस्टम को तो इम्प्रूव करता ही है, लेकिन जो आपके डाइजेशन सिस्टम में आंतों के अंदर जो गंदगी है उसे भी बाहर निकाल देता है, उसे फेंक देता है, ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सके, आपका खाना प्रॉपर तरीके से पच सके। इसके लिए त्रिफला को आप कैसे लेना है, तो त्रिफला को आपको सुबह एक चम्मच एक ग्लास पानी में आपको उसे डाल देना है और फिर रात को उस पानी में थोड़ा गर्म पानी मिला देना है और मिक्स कर देना है और फिर सोने से थोड़े टाइम पहले आपको उसे पी जाना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, खाना पचाने में बहुत ही आसानी रहेगी और जो खाने के अंदर जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस है वो आपके शरीर में आपको मिलेंगे, जिससे आपका वेट गेन होगा, चेहरे पे ग्लो आएगी, चेहरे पे शाइन आएगी, आपको स्फूर्ति रहेगी, आपको ताकत मिलेगी और आप अच्छे दिखने लगोगे, आपका वेट डेली गेन होना शुरू हो जाएगा। तो त्रिफला और जीरा ये आपको लेना है जिससे आप अपना वेट गेन कर सके, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो सके और जिसके कारण आपका वेट गेन भी हो सके। लेकिन ये जो दोनों चीज है ये आपको इनडायरेक्ट आपको वेट गेन करेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा लेकिन इससे धीरे धीरे आपका वेट गेन होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी वेट गेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेना है अश्वगंधा और शतावरी। अब अश्वगंधा और शतावरी क्या करते हैं, तो देखिए, अश्वगंधा और शतावरी जो है आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, आपके बॉडी में स्टेमिना बढ़ाते हैं, आपके वेट गेन के लिए बहुत ही मददरूप होते हैं। शतावरी होती है वो आपके बॉडी में ओजस को बढ़ाती है। ओजस के बढ़ने से क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, आपके आपको बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है।
तो अश्वगंधा और शतावरी अगर आप लेते हैं तो आपका बॉडी का जो वेट गेन है, वेट गिनने में आपको काफी सहायता मिलेगी। आपको इसे कैसे लेना है तो देखिए, एक ग्लास दूध के अंदर आप अश्वगंधा और शतावरी को मिला दे और फिर मिक्स कर दे। अगर आप स्वाद अच्छा थोड़ा करना चाहते हैं, टेस्ट अच्छा करना चाहते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा हनी भी मिला सकते हैं। अदरवाइज आप ये दोनों ही मिलाकर पी सकते हैं। अब इस दूध को या तो आप रात को या दिन में एक बार आपको पीना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो बॉडी का वेट गेन है वो जल्दी होना शुरू हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, जो आपको काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप ये तीनों चीज करते हैं कि खाना खाने से थोड़े टाइम पहले अगर आप जीरा का पानी पीते हैं, और सोने से थोड़े टाइम पहले आप त्रिफला का पानी पीते हैं, और दिन में या रात में एक बार अगर आप अश्वगंधा वाला या शतावरी वाला दूध अगर आप पीते हैं, तो आपको बॉडी वेट गेन करने में बहुत सहायता मिलेगी और अच्छी तरीके से आपका वेट गेन हो जाए। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर आप दुबले पतले है, आप स्ट्रेंथ है, आप में स्टेमिना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े अगर वेट गेन हो जाता है तो आप और अच्छे दिख सकते हैं। इसके लिए अगर आप ये तीनों चीज करते हैं तो आपका बॉडी का वेट गेन जरूर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।